हाँ जी नमस्कार। इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है, अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत के बीच एक बार फिर से बड़ी तकरार और मानहानि का मामला दर्ज कराने के बाद अशोक गहलोत ने फिर बोला हमला। उन्होंने कहा है कि संजीवनी घोटाले मामले में खफा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने मानहानि का मामला तो दर्ज करवा ही दिया अशोक गहलोत पर, लेकिन इसका स्वागत करते हुए गहलोत ने कहा कम से कम इस बहाने केस आगे बढ़ेगा, देश को पता चलेगा कि ये भी कोई घोटाला हुआ है। वहीं दोस्तों इसको लेकर पत्रकारों से बातचीत करते हुए गहलोत ने कहा घोटाले में गजेंद्र सिंह खुद मुलजिम है, साथ ही उनकी पत्नी, साले, पिताजी, मामा जी के भी नाम है, माता जी का उनकी का देहांत हो चुका। लेकिन गहलोत ने यह भी कहा कि इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं थी, फिर भी अफसोस है कि ऐसे घपलेबाज को पीएम ने मंत्री बना रखा है। गहलोत के मानहानि का केस के बहाने अब सारे देश को ये पता चल जाएगा कि संजीवनी घोटाला हुआ है। ये गजेंद्र शेखावत पर गहलोत ने दोबारा हमला बोला है और आपको बता दें कल ही गजेंद्र शेखावत की ओर से गहलोत पर मानहानि का केस या मुकदमा दर्ज करवाया गया है।